नहीं वो चुप है लड़के और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है ये, काफ़ी है डेंजर दोस्तों ये। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे पटना ग्राम सभा से मिला हुआ है, क्योंकि दोस्तों हड़ही बाजार के जस्ट बगल में पड़ता है ये, और यहाँ पर दोस्तों कोई जहरीला सांप देखा गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सब लोग जुटे हुए हैं। अब चलिए चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो। चलो चलो पीछे चलो, देखा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग दोस्तों जुटे हुए हैं, सांप को देख रहे हैं। सांप मौके पे दिखाई पड़ रहा है ऐसा इनका कहना है। कहाँ पे है भैया? और ये दोस्तों आप देख सकते हैं एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। भेड़ ना लगाओ भैया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आराम से दोस्तों बैठा हुआ है, काफी दोस्तों डेंजर है, पकड़ लिया गया है। और दोस्तों ये कुछ खाया हुआ है, शायद चूहा खाया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये चूहा खा के आराम से वहाँ पर बैठा हुआ था। हाँ, पकड़ के निकाल बाहर। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस कोबरा सांप ने एक चूहे को अपना निवाला बनाया हुआ है, क्योंकि ये रात में दोस्तों निकलते हैं अपने भोजन के तलाश में। दिन में दोस्तों बहुत गर्मी पड़ रही है, ये आपके हमारे घरों में आते हैं चूहा खाने के चक्कर में और मेंढक खाने के चक्कर में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सांप को पकड़ लिया गया है। ये दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है और काफ़ी दोस्तों डेंजर दिख रहा है ये। तकरीबन 3 से 4 फुट का कोबरा सांप है ये। ये ग्राम सभा के लोग हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे हैं कि एक बेजुबान को मारा नहीं, बचा लिया, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आप लोग से भी निवेदन है दोस्तों, अगर कहीं पे सांप दिखता है तो मारिए मत, बचाइए। किसी भी सर्प मित्र को बुलवा करके उसको पकड़वा दीजिए और कहीं दूर ले जाकर उसको जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि ये पर्यावरण मित्र है, इनसे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। इसलिए सांपों को मारा ना जाए, बचाया जाए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोग से निवेदन और करना चाहेंगे कि अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है, किसी झाड़ फूँक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है ये, काफ़ी है डेंजर दोस्तों ये। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसने अपना निवाला बनाया, मच्छू जो अपना इसने निवाला बनाया हुआ था वो आप देख सकते हैं अभी ये निकाल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इनको अगर छू देते हैं, अगर कोई चीज़ अगर ये खाए हुए हैं, अगर ये छू देते हैं हम लोग तो शर्मवश दोस्तों ये अपना निवाला उगल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चूहा दोस्तों ये खाया हुआ है, और इतने ही छोटा सा उम्र में दोस्तों इतना बड़ा शिकार ये कर लिया। और चूहा दोस्तों भाग नहीं पाया, उसको इसने कैसे पकड़ लिया ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा कोबरा दोस्तों इतना बड़ा निवाला बना लिया है। जब इनको दोस्तों कोई खतरा महसूस होता है तो ही ये हमारे आपके ऊपर अटैक करते हैं, अन्यथा किसी को जल्दी ये काटते नहीं हैं। जब खतरा महसूस होता है तो ही ये काटते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों कि जो अपना ये निवाला बनाया है इसको निकाले ना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से दोस्तों ये अपना निवाला पाते हैं। अगर ये उगल देगा दोस्तों तो इसका सारा मेहनत किया सब पानी में फिर जाएगा। अब हम नहीं उगलवाएंगे, खुद उगल देगा ये, शर्म बस। हाँ,
अब अरे यहीं उगलेगा तो कहाँ दूसरे कहीं थोड़ी जाएगा। उससे कौन सा दिक्कत है? अरे वो भी 2 मिनट में उगल देगा वो। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, भाई हमारे चैनल सब जने सब्सक्राइब कर लियो। चैनल का वो बताओ ना, घनश्याम बाबा बस्ती राजा साहब, ये देख सकते हैं दोस्तों। लीक आली मानु आली राजा जी से हमसे ही छिन बक्सर तेरे वाला हर कुछ वही से नहीं कर रही हूं तो कितना दोस्तों तकलीफ होता है इनको खाने में भी और उगलने में भी। अरे गार तो बहुत ज्यादा रहता है चाचा, लेकिन अब क्या करें। ये बाद में नहीं है उगल देगा, कभी भी उगल देगा ये। अरे बाप रे कितना बड़ा चूहा खाया हुआ है। ओ तो दोस्तों अब इस सांप को अब चलते हैं पैक कर देते हैं, उसको पैक करके कहीं दूर ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को अपने कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कैसा लगा आप लोग को वीडियो। दोस्तों कमेंट करते तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है, और लाइक करें दोस्तों वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। गर्मी दोस्तों इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अब क्या बताएं दोस्तों, धूप में खड़ा होने को नहीं हो रहा है। ये तो बेचारे बेजुबान जानवर है, अगर ये धूप में कहीं निकल जाएंगे दोस्तों तो इनको कोई बचा नहीं पाएगा, खुद मर जाएंगे ये। चलो पैक करो पैक करो। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसको बोरी के अंदर पैक कर दिए हैं। और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए और फिर किसी जंतुओं को छोड़ते हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को दोस्तों फॉलो कर लें।